चिंटू तुम हमें वहाँ क्यों लेकर जा रहे हो? मुझे तो लगा था कि तुम हमें केले के बगीचे में लेकर जाओगे। खाने से मैं ज्यादा जिंदगी में होता है बल्लू अंकल। ओ चिंटू ये जगह तो बहुत ही प्यारी है, बाग बगीचे से बहुत खूबसूरत है और वो देखो लकड़ी के पत्रे भी लगे हैं। ये बहुत बढ़िया और फेमस हिरण का जंगल है। क्या मतलब ये हिरन बगीचे में रखता उसे है? उसे हिरन से काफी लगाव होगा जिसके लिए उसने पूरा पार्क को उनके रहने लायक बना दिया। ठीक है मैं तुम्हें बताता हूँ, यहाँ के फेमस हिरन को मीलू कहते हैं। देखो ये अलग किस्म के हिरन है और ये कम दिखाई देते हैं। इन्हें चार जानवरों से जोड़ा गया है इसलिए चाइना में इसे सीबू सांग कहते हैं। इसका मतलब है कि चार अलग जीव। चार अलग जीव, मुझे जाकर इन अलग हिरनों को देखना ही होगा। इन जीवों को बहुत ज्यादा जान का खतरा है इसीलिए इन्हें बड़ी मुश्किल में अब जंगल में पाया जाता है। अब लोग वहाँ मीलू म्यूजियम जाकर देख सकते हैं। उनके पास बहुत सारी जानकारी है मीलू के बारे में। तो और भी हैरानी होगी अगर उनके पास अंदर और भी जानवर होंगे। इस कीमती वक्त को जाया नहीं करते। मुझे हमेशा से मीलू को देखना था, कहते हैं वो बहुत ही प्यारा जानवर है, हम दोस्त बन सकते हैं। अरे टिल्लू ये मीलू क्या चीज है जिसके बारे में चिंटू बात कर रहा है? मीलू पता नहीं, कोई गरीब बेचारा राक्षस होगा शायद, कोई नहीं भुक्कड़। अब जो चिंटू उन सबसे अलग हो चुका है तो हमारे खिलाफ तो उसका पर भी नहीं हिलेगा। पर टिल्लू चिंटू को संभालना सबसे मुश्किल काम है। चिंता मत करो छोटे खोपड़ी वाले भुक्कड़, मेरे पास एक प्लान है, सुनो। चलो मीलू यार आ जाओ, मेरे पेट के अंदर आ जाओ चिंटू। यकीन है कि चिंटू सचमुच में वहाँ है? क्या बोल रहा हो, क्या तुम्हें स्वादिष्ट टंगड़े कबाब नहीं खाना? हाँ पर ये जगह बहुत ही डरावनी है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई हम पर नजर रख रहा है और चुपकर वार करेगा। डर के मारे मेरी पैंट गिर गई थी। मुझे तो लगा तुम किसी से डरते नहीं हो टिल्लू। मैं भागने वाला नहीं हूँ, वैसे कभी कभार मुझे भी डर लगता है। मुझे तुम्हारी यही बात पसंद है। मेरे सामने से चले जाओ, चले जाओ। ए टिल्लू तुमने कुछ सुना क्या? मुझे मत डराओ भक्कर। छोड़ो मुझे टिल्लू, भागो, चलो भागते यहाँ से। शांत हो जाओ भुक्कर, शायद चिंटू को पकड़ने का यही एक मौका है। सही कहा, शायद हम उस राक्षस से कुछ सीख सकते हैं। चिंटू हमेशा हमें मात दे देता है। हमेशा नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसको आज पकड़ कर ही रहेंगे। आज रात के खाने में मैं चिकन खाऊंगा चाहे उसका पंख ही क्यों ना हो। मुझे बहुत डर लग रहा है टिल्लू। अबे फट्टू का बेटा, स्वादिष्ट नेवले, तुम्हें देखकर मुंह में पानी आ गया। मेरा डिजर्ट बन जा। मैं तो बस खेलना चाहता हूँ, आओ बेवकूफ नेवले।
कि अब हम महफूज है टिल्लू। मुझे लगता है तुम सही हो भुक्कड़। मुझे लगता है हमें कोई देख रहा है, कोई तो हमें देख रहा है भुक्कड़। अपने पीछे देखो टिल्लू। लेकिन अगर ये नेवले हमें खाने के लिए दोबारा आ गए तो मुझे बहुत डर लग रहा है चिंटू। चिंता मत करो कालू, हम साथ में उनका मुकाबला करेंगे। अब चलो तुम्हारे परिवार के पास। देखने वाला प्राणी हमारे साथ खेल रहे थे धोखेबाज। तुम कहीं भाग नहीं सकते। तो आखिर हमारा सामना इस राक्षस से हो ही गया। ये तो इतना डरावना नहीं लगता, लगता है क्या? चिंटू, ये हमारे साथ क्या करेंगे? तुम यहीं रुको और देखो मैंने क्या करता हूँ। अब तुम्हें क्या चाहिए चिंटू? मैं तो बस तुम्हें अखरोट की दावत देना चाहता हूँ। अखरोट? हम जब डरते हैं तो इधर उधर बिखर जाते हैं। अगर हम जोर से चिल्लाए तो काम बन जाएगा? नामुमकिन, वो तो बहुत दूर चले गए होंगे। कोशिश करने में क्या जाता है? अरे मैं तो इससे पहले तुम्हें ठीक से देखा ही नहीं था। तुम सच में बहुत खास हो। डियर के एंटलर्स, घोड़े का सर, गाय के पैर और गधे की पूंछ। चिंटू, मैं बहुत बदसूरत हूँ। नहीं, तुम तो क्यूट हो। मैं लकी हूँ कि मैं तुमसे मिल गया। तुम्हें देखकर खुशी हुई चिंटू? मैंने कहा था ना, भागने से कोई फायदा नहीं है। अरे चिंटू, अखरोट के लिए शुक्रिया। चुप हो जाओ। याद रखो हम यहाँ किस काम के लिए आए हैं? मुर्गे को पकड़ने और उसको खाने के लिए। मुझे बचाओ, मुझे हैमबर्गर नहीं बनना है। कालू मेरा दोस्त है, उसे कोई हाथ नहीं लगाएगा। अब देखो इसने मात खाई। तुम्हें अपनी कलाबाजी सुधारनी चाहिए। खुद को हमारे हवाले कर दो वरना तुम्हारे दोस्त को इसकी सजा मिलेगी। उसे अकेला छोड़ दो। चिंटू, तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं। चिंटू, हाँ मत करो। भुक्कड़, और लकड़ी लाओ, मुझसे रुका नहीं जा रहा। अरे टिल्लू, 5 मिनट और फिर सूप तैयार। हाँ, ये तो सपने जैसा लग रहा है। इतनी खुशी मत मना। मुंह बंद करो वरना तुझे कच्चा चबा जाऊंगा। ये क्या हो रहा है टिल्लू? अच्छा सवाल है। ये तो भूकंप है क्या? वाकई हम बहुत करीब हैं और फिर भी कितने
कितने दूर है।